का नाम और जिले का नाम बताओ। मैम मेरा नाम सोनम शर्मा है, करणपुर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं मैम 13 दिन बीत चुके हैं धरने को, तो किस तरह से आपका संघर्ष यहाँ पे चल रहा है? संघर्ष तो बहुत है, कभी हम ऐसे धूप में निकले नहीं हैं बाहर, और यहाँ पे पंखे भी नहीं हैं फिर भी हम बैठे हुए हैं सब लोग सब्र करके। और ये हमारा अंदर का जज्बा ही है जो सब लोगों को एक साथ बिठा के रखा है, इतनी गर्मी में एकजुटता के साथ सब लोग बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा संघर्ष तो बच्चों का हो रहा है जो अपनी मम्मी के साथ आए हुए हैं, तो उनको देख के हमें हौसला हो जाता है कि ये बच्चे बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो अभी तक सरकार से जितनी भी वार्ताएं हुई हैं विफल रही हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है अगर लंबी लड़ाई रही तो आप कितने दिन तक यहाँ रहोगे? लड़ाई तो हमारी तब तक चलेगी क्योंकि जब तक हमें हमारा जो मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक बैठे रहेंगे, चाहे वो एक महीना निकल जाए 2 महीने निकल जाए, ऐसे बैठेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। जब तक साथ देंगे तब तक ही ये काम हो पाएगा, अगर हम एक टूट गए एक दूसरे से तो फिर काम नहीं होगा। और सरकार सुनेगी भी एकजुटता से, जब तक हमारी एकता है तभी हमें ताकत है, अगर अलग अलग हो गए तो कोई नहीं सुनेगा हमारी। आप मैरिड हो, अपने परिवार से किस तरह से आई हो, माँ बाप का ससुराल का किस तरह से आपको सहयोग मिलता है? सहयोग मिल रहा है तभी तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये है कि मैं 1 साल के बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मम्मी पापा और सबके बिना तो चलो चल जाता है, लेकिन बच्चे की याद बहुत आती है और मैं बात भी नहीं करती इस चक्कर में उसकी मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ इसलिए, पर दिल नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी रुके हुए हैं। और ये अंदर का जज्बा है कि अगर अब कुछ दिन काट लिए हमने ऐसे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी उसके बाद से, तो ये हमारा संघर्ष है कि हम अभी इतने दिनों तक टिके हुए हैं यहाँ। तो आपके ससुराल वाले भी राजी हैं कि आप धरना दो? जी उन्होंने भेजा है, ससुराल वालों ने भेजा और बच्चे को भी वही संभाल रहे हैं। मेरे मदर इन लॉ भी जॉब करते हैं, मेरे जो हस्बैंड है वो भी जॉब करते हैं और 1 साल का बच्चा है, तो फिर भी वो एडजस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, मेरे को यहाँ पे भेज रखा है कि तू लड़ कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी सपोर्ट है ससुराल की भी, मायके से भी, दोनों तरफ से सपोर्ट हो रही है, बस सरकार पे सब आस टिकी हुई है जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गहलोत जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सर अगर आप हमें नहीं भूलोगे तो हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे, और अगर हमें नौकरी मिल जाती है, आपने हमारी वैकेंसी निकाली थी, आपसे उम्मीद है कि आप ही हमें परमानेंट कर सकते हो या आप ही संविधान में शामिल कर सकते हो, हमारी मांगे आप ही पूरी कर सकते हो। हम कहीं ऐसा नहीं देख रहे पार्टी वाइज या कुछ ऐसा नहीं देख रहे, हमारे मन में कोई भी राजनीति की बात नहीं है, बस हमें यह है कि आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमें नौकरी दोगे, हमें सारी उम्मीदें ही आपसे हैं, आप ही कुछ ना कुछ कर सकते हो इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें।